sunbathing? Yes. Oh, okay. Can I go past? Thanks. Why do you want to walk there? You can easily walk from here. Yeah, but I want to be past. Thank you, bye. Bye. Hi, you sit here for 2 hours now. Why are you never moving? My next favorite spot is my favorite spot. And I'll be quiet. This guy is annoying. Anyways, hey, Shadow, what are you doing? The bed is in there. It's in the dish. Okay, I'm gonna go to the kitchen. मैं अपनी मूवी वॉच कर रही थी और ये दोनों बच्चे अपने अपने डैडीज के साथ खेल रहे हैं, तो इतने क्यूट लगे मुझे। मैं इनका चले मूवी बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्ले कर रहे हैं। ओके ब्रो, व्हाट शुड वी ईट टुडे? आई हैव नो आइडिया व्हाट टू ईट। आई लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, सो शुड वी ईट पिज़्ज़ा? शैडो, यू लाइक टू ईट चिली डॉग एंड सॉरी। आई ईट अ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। आई एम गोना गो टू द स्टोर। बाय। बाय। Okay guys, I got the food. And puppy. You know me. Yeah, there's food in here. Okay, good. Okay. Let's see what's inside. Open it. Gotta come here, there's food. Okay, I'll pick one. I'll pick this pizza, it looks delicious. That was bad. Sonic, did you take your food yet? I did. No, I did not see you. Because I'm fast. Oh, this is how fast I am. This is how fast I am. Okay, that's enough food. Get out of here, Brooks. Sonic, get out of this spot now, please. Oh, God. What time is it? It's 12:30. जी जनाब, मैं करने लगी थी अरमान का हेयर कट, तो अरमान को हंसी आ गई क्योंकि मैंने उसका कर दिया पोनी टेल। कह रहा है गर्ल लग रहा हूँ मम्मी। मैंने कहा पापा के पास क्लिप नहीं है लगाने के लिए। कह रहा मामा मेरे बाल बड़े हो गए हैं, फेस पे आ रहे हैं, तो मुझे तंग कर रहे हैं और सुबह इसने स्कूल जाना है। मैंने कहा चलो मैं आपको हेयर कट दे दूं और फिर आपको भी दिखा दूं कि कैसे। जी मैंने अरमान के सारे बाल वेट कर दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं साइड से स्टार्ट करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं सब बाल इस तरफ को ब्रश कर दूँगी, ठीक है। और जितने भी ये एक्स्ट्रा बाल है ना, इनको मैं कर दूंगी कट इस तरह। नजर आ रहा है, ठीक है। और सो मेनी हेयर, और अभी ये सारा क्लीन करना है इधर से, क्योंकि फिर वो उसमें चले जाएंगे सिंक में सारे। वी हैव टू क्लीन इट। अब मैं ब्रश को ऊपर की तरफ करके, बालों को ऊपर की तरफ करके, तो अरमान के बाल ऐसे कट करूंगी। आई होप आपको नजर आ रहा हो ये ऐसे, क्योंकि मुझे इतने डीप कट नहीं करना। मैंने बस इसको थोड़ा सा टाइडी करना, जो इसके मुंह पे बाल आ रहे हैं वो इसके मुंह पे ना आए। तो मैं इस तरह पकड़ती जाऊंगी। कॉम नहीं है ना ब्रश है, तो मुझे बार बार रखना पड़ रहा है और इस तरह काटती जाऊंगी, ठीक है। कम से कम उसके मुंह पे तो नहीं आएंगे ना, उसको थोड़ा सा कानों पे भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए कि लॉकडाउन में हम बच्चों के बाल खुद ही घर में काट रहे हैं। ये देखें, अभी स्कूल भी जाना है ना इसने, तो कहता है मामा थोड़ा सा टाइडी कर दें मुझे। और यहाँ से भी मैं ऐसे ही करूँगी इस तरफ करके ब्रश, तो फिर मैं इस तरह कट करूंगी ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप यहाँ से कट करें, अरमान ऐसे करें, तो आप कान को ऐसे पकड़ लें, ठीक है, अपने थंब से। अरमान बिल्कुल नहीं हिलना, ठीक है। और जब आप बच्चों की कटिंग करें तो छोटी सीजर यूज़ करें, ये आइडियल है कि बच्चे अक्सर मूव कर लेते हैं और आप प्रोफेशनल तो हैं नहीं कि घर में बैठ के कटिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप छोटी सीजर यूज़ करें तो
हैंडल करना इजी हो जाएगा। इसी तरह पीछे से भी करूंगी, नीचे से ऐसे ब्रश करके इसकी गर्दन में भी इस तरह करूंगी। जब मैं अरमान का पूरा कट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल अरमान कैसा लगता है हेयर कट करके। जी ये अरमान का हेयर कट है, दिखाओ अरमान साइड से दिखाओ। देखें ये अभी शावर करके आया, कैसा लगा आपको अरमान? गुड। एमी सच्ची के यू हैप्पी? क्या आई एम हैप्पी। हैप्पी? यस। थम्स अप। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? सुबह का टाइम है, मेरे बच्चे स्कूल जाने से पहले स्पारा पढ़ते हैं दोनों। मायरा बेटे को कैसा लग रहा है आज स्कूल जाने के लिए? एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? ओके। और मैं इन दोनों को विटामिन दूंगी, मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूँ। इन दोनों को मैं ये विटामिन देती हूँ एलकिड वाले, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। अभी अरमान नीचे नहीं आया और ये आएगा भी नहीं जब तक मैं इसको लेके नहीं आऊँगी। चले मैं अरमान को नीचे लेके आई और इनको विटामिन दूँ, पारा बढ़ाऊँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये नाश्ता क्या करते हैं और अरमान लंच में क्या लेके जाएगा। जी जनाब, दोनों ने इस पारा पढ़ लिया, अब नाश्ता कर रहे हैं। अरमान तो देखें ब्रेड खाएगा, सारे अजी सितारेगा। अरमान खाने लगे हैं, आप क्या खाने लगे हैं बेटा? टोस्ट। अरमान खाने लगे हैं टोस्ट बटरी, क्योंकि उसको फ्रेंच टोस्ट नहीं खाने और मायरा फ्रेंच टोस्ट खा रही है। अरमान आपको कैसा लग रहा है? मायरा ने बता दिया, बताए आपको फर्स्ट डे कैसा? गुड। हैप्पी? एक्साइटेड? ओके। चलो अब मैं अपना नाश्ता करो तो मम्मा आपका लंच पैक बना के, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अरमान के लंच में क्या रखा है। जी अरमान के लिए मैंने एक ऑरेंज पेयर और फ्रेंच टोस्ट, मैं इसका लंच रैप अप करूँगी। होप ये खा ले सब कुछ, खाने का बहुत शोर है, खाते नहीं हैं तो वो चले। फिर उसके बाद मैंने गोश्त निकाला लैम का, तो इनको छोड़ के स्कूल तो मैं आके बनाऊंगी लैम और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लैम कैसे बनाया। मैं बनाने लगी हूँ भुना गोश्त, तो फिर चले मैं आपको रेसिपी के टाइम में मिलती हूँ। जी मैं बच्चों को आ गई हूँ अब स्कूल से छोड़ के, अब मैं बनाने लगी हूँ खाना और मैं बनाने लगी हूँ भुना गोश्त। इसके लिए मैंने लिया है लैम, ठीक है? लैम की बहुत छोटी छोटी बोटियाँ कराई है ताकि जल्दी से गल जाए और एक ही बाइट में आए, ठीक है? और साथ मैंने गार्लिक लिया है साबुत और जिंजर साबुत लिया है और अनियन, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी और मैंने थोड़ा नमक भी डाला और मैं कोई मसाले नहीं डालूँगी, पानी डालूँगी। और इधर मैंने ये छील लिया है धनिया बाद में गार्निशिंग के लिए, और टमाटर और हरी मिर्च है वो मैं आपको बताऊँगी कि कब यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी हम इसमें गार्लिक, जिंजर साबुत गार्लिक, फ्रेश गार्लिक और अनियंस, फ्रेश अनियन और लैम, ठीक है? इसको हम लगा देंगे कुकर 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो लैम होता है वो जल्दी गल जाता है तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। जी अब मैंने 5 मिनट बाद कुकर को खोला है और अब थोड़ा गोश्त इस तरह का लग रहा है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने इस तरह कट लगाया है ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए और हम स्टीम हो गया और हम इसकी लिड कर देंगे बंद। अभी भी हम कोई मसाले नहीं डालेंगे, ठीक है? जब इसके छिलके उतार लेंगे टमाटरों के, टमाटर गल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं सारे मसाले डालूंगी, ठीक है? ये देखें बिल्कुल टमाटर जो हैं उनके छिलके अब आराम से उतर सकते हैं ऐसे में। अब ये नाइफ से ऐसे लेके आराम से इनके छिलके उतार लूँगी। ये देखिए आराम से छिलके अलग कर लें आप इनके,
इस तरह आप सारे छिलके उतार लें और मैं आपको बताती हूँ कुछ छिलके उतार मेरे बाद में क्या करूँगी। ये देखें टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ये देखें मैंने घी डाला था, घी डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए चम्मच चलाया, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी डाली है हल्दी, और थोड़ा सा डाला है क्या बोलते हैं इसको, इलायची, छोटी इलायची, और मैंने इसमें डाल दिया था और इसमें डालूंगी थोड़ा सा वो मुझे मसालों के नाम ही भूल गए हैं, थोड़ा सा इसमें डालूंगी दालचीनी, और डालूंगी मैं इसके अंदर मोटी इलायची और लौंग, वो भी मैं डालती हूँ। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, आज मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो देखें अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे घी निकलने तक, ठीक है, घी निकलने तक भुनाई करेंगे। और मैंने काटी थी यहाँ पर ये हरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है, और इसकी मैं अच्छी तरह से कर दूँगी भुनाई, भुनाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखें इसकी कितनी अच्छी भुनाई हो गई है, सारा इसका ऑयल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर धनिया। ये जो मैंने आज रेसिपी बताई है, मेरी जो एक आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हो, आप हमें रेसिपीज़ भी बताओ, तो ये आंटी आपके लिए है स्पेशल। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया और रेडी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत नाइस है। मैंने अभी थोड़ा मसाला चखा है, ना नमक तेज़ ना मिर्चें तेज़, सब कुछ परफेक्ट है, बच्चे भी खा सकते हैं। अभी मैं बच्चों को लेके आती हूँ, मैं फिर आपको उनका रिएक्शन दिखाती हूँ कि आज स्कूल के बाद क्या था। और जब दोनों बच्चे मेरे सुनेंगे ना कि आज भुना गोश्त बना है, तो दोनों कहेंगे वाओ। मैं आपको दिखाऊँगी, रिकॉर्ड करूँगी। Ask again what you was asking. What salad do you have been watching? I made bhuna gosht. Bhuna gosht. Okay. Yay. How was your day? Good. We just came back from school. Okay, chale phir aap se milte hain hum. Yeah, aaj ki video yahi thi hamari. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz kahe.